वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स। आप सब कैसे हो? मैं बहुत नया हूँ, आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। समझ सभी बच चुके हैं दोपहर के चार, अभी मैंने दोपहर के चार नहीं तीन, और अभी मैंने कपड़े से कुछ बदल लिया और अभी आ चुका है हमारा लंच। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि आज लंच में क्या बनाया। तो देखिए आज लंच में बने हैं सोयाबीन के रोल्स। सबसे पहले रोटी, रोटी के ऊपर फिर मम्मी ने लगाई चटनी, फिर है सोयाबीन की मम्मी कुछ वेजिटेबल से कुछ बनाई, उसके बाद फिर डाल दिया अनियन। इसे हम कहते हैं टाइप ऑफ काठी रोल या सोयाबीन रोल। तो बस चलिए फटाफट से खाते हैं अपना लंच। मम्मी पापा वापस से जा रहे हैं मेरी सिस्टर के ट्यूशन, क्योंकि उन्हें जाना है मेरी सिस्टर के ट्यूशन फॉर्म भरने के लिए उनके कॉलेज के लिए। तो मम्मी पापा तो जा रहे हैं, तो चलिए मैं चलता हूँ अंदर। मम्मी पापा के आने के बाद अब गया था मैं नर्सरी, और देखिए मैं नर्सरी से लेके आया हूँ ये दो प्लांट। तो देखिए कितने ज़्यादा प्यार लग रहे हैं मेरे को, फूल को चक्कर में देखो नॉर्मल बस पत्तों पत्तों को अच्छा लगेगा। तो देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक मैं लाया हूँ ये, और एक लाया हूँ ये। देखिए मैं एक और लाया हूँ ये एक इंडोर प्लांट, ये भी एक टाइप ऑफ पाम ट्री होगा। तो देखिए एक मैं लाया हूँ, एक मेरे पास है ये, एक मेरे पास है ये, और एक ये है। तो मम्मी ने वहाँ से वो पाम ट्री यहाँ पर रख दी, उन्होंने कहा यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए मेरे पास एक पाम, ये एक क्रोटन का प्लांट, एक और पाम ट्री थी, यानी एक पाम ट्री, एक क्रोटन और एक और पाम ट्री, यानी दो पाम ट्री और एक क्रोटन का मेरे पास प्लांट हो गया। आ गए दुकान से, क्या टाइम हो गया? सवा चार होने वाली है, सवा चार होने वाली है। चाय पी ली? अच्छा बस आगे तो जिसको है हाँ, एक घंटा हो गया, चार्ज हो गया इसमें 40 और बस। बस चलो ठीक है, अब तो ट्यूशन नहीं जाना है आज, फिर से एक और ट्यूशन हो गया है? आज वापस से ट्यूशन हो गया। वैसे तो छुट्टी थी, मैम ने कहा आज भी पढ़ाऊंगी, तो आज भी जाना है। 4:30 बजे जाना है, 15 मिनट बचे हैं बस। चलो ठीक है, आपको बता दूँ कि मुझे आज वापस से ट्यूशन जाना है, जो मैं 4 से 6 वाला ट्यूशन जाता, तो मैम ने कहा आज भी ट्यूशन आ जाओ। तो अभी बच्चों के 4:15, तो बस 15-20 मिनट में करना है, तो पानी पीते हैं फिर बैग वैग पैक करके चलते हैं ट्यूशन। सभी बच्चों की हैं 4:00 होती है 25 मिनट्स, तभी बच्चों को मैं रेडी जाने के लिए ट्यूशन। तो बस चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने ट्यूशन जाने के। और देखिए ये रहेगा दोनों पंडले, भी मैं ट्यूशन से पढ़ के आ जाऊँगा, बाहर बैठे हैं। तो चलिए अब मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ी देर खेलने के लिए। तो आज हम आए हैं मंदिर, क्योंकि यार ट्यूजडे वैसे तो ये वीडियो लेट आएगी, तो हम मंदिर में पहुंच चुके हैं, प्रसाद ले लिए, बस यहाँ पे जूते उतारते हैं, चलते हैं ऊपर। हेलो सभी तो मैं मंदिर से दर्शन करके आ चुका हूँ। तो देखिए अब आ चुका है हमारा डिनर, डिनर में बनी है ये कोफ्ते की सब्जी, परांठे और मटर, और है मेलन। बाबा भी यहाँ पे सो रहे हैं, तो बस चलिए फटाफट से खाते हैं अपना डिनर। और अभी बच चुके हैं रात की 8:45, तो खाते हैं अपना डिनर, बाबा भी यहाँ पे सो रहे हैं। फ्रेंड्स अभी बाबा सो चुके हैं, और अभी मैं कर रहा था थोड़ा सा यूट्यूब का काम, वो भी हो चुका है डन, और बाबा भी सो चुके हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पता करते व्लॉग्स। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं, नए बहुत अच्छे ही होंगे। समय सभी बच चुके हैं सुबह के 11, थोड़ा लेट हो गया उठने में, पर आज हमारे स्कूल की छुट्टी थी, क्योंकि आज 10th कम्पूर्ट, तो हमारी स्कूल की छुट्टी थी। तो अभी मैं नया हुआ हूँ कुछ घूमने, क्योंकि मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बट मैंने ब्रेस्ट वगैरह सब कुछ कर लिया। तो देखिए आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, और आज ब्रेकफास्ट में बने हैं पनीर के परांठे। तो बस चलिए फटाफट से खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो रही है, जुकाम खासी हो रहा है, और काफ़ी से वीकनेस सी भी लग रही है, तो दवाई खाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर करते हैं रेस्ट, और आज उनको ट्यूशन जाना, उसके बाद मेरी आराम से 5-6 दिन की छुट्टी भी है ट्यूशन की। तो फटाफट से खाते हैं अपना ब्रेकफास्ट।
अभी तो मैं नहा धो के बिल्कुल हो चुका हूँ रेडी, वीडियो बिल्कुल नहीं आना पाया क्योंकि सब मैं सब डॉक्टर्स के मम्मी काफ़ी आते हुए थे आपके, फिर मैं पूरी दिन बस लेट आई रहा। फिर उसके बाद फिर पापा आए, पापा ने भी मुझे दवाई दी, पापा ने चेक करा मुझे, मम्मी ने चेक करा कि मुझे नेट फीवर था, तो फिर उसके बाद दवाई वगैरह दी। अब मैं बिल्कुल हो चुका हूँ ठीक, और अभी मैं नहा धो के भी बिल्कुल हो चुका हूँ रेडी। तो अभी बचने वाले हैं 4:30, सबसे पहले चलते हैं पापा के पास, उसके चलते हैं मेरे ट्यूशन, क्योंकि मुझे 4 से आज मेरे ट्यूशन जाना है और कल, आज दोनों ट्यूशन जाने मुझे 4 से 6 और 7 से 8। तो अब तो दबाई बिल्कुल ठीक है ना, चले जाऊंगा ट्यूशन, तो चलते सबसे पहले बाबा के पास, उसके बाद चलते हैं ट्यूशन। आ गए दुकान से, चाय पी ली, क्या टाइम हो गया? 4:30 बनने वाले हैं। आज तो तबीयत खराब हो गई सुबह से, सुबह से तबीयत खराब है, शरीर बहुत गिर रहा था, फिर देखा तो बुखार आया। हाँ सो बुखार आया, फिर पापा ने आने के बाद दवाई दी, अब बिल्कुल ठीक हो गया। फिर पापा ने आके दवाई दी, फिर ठीक हो गया। 2-3 घंटे से बस सोए रहा हूँ सुबह से। अभी तो ट्यूशन जा रहा हूँ, आज तो पॉसिबल नहीं, कल चलेंगे, क्योंकि वही 4 से 6 ट्यूशन और 7 से 8 ट्यूशन है। चलो देखता हूँ, 8 बजे के बाद बनवा लूंगा। चलो ठीक है। हाँ बस पापा ने कितना बुखार है, 100 आए थे ना, 100। फिर पापा ने दवाई दी, फिर ठीक हो गया। चलो ट्यूशन छोड़ने चलो, 4:30 बनने वाले, चलो ट्यूशन जा रहा हूँ। फाइनली मैं ट्यूशन पहुँच चुका हूँ, पापा अभी जा रहे, तो चलिए चल रहा हूँ मैं ट्यूशन, ज़्यादा दूर नहीं, इसलिए मैं पापा को पहले रुकवा दिया मैंने। फाइनली मैं ट्यूशन, बाहर बैठे हो, मौसम कैसा हो रहा है? धूप हो रही है। चलो ट्यूशन से आ चुका हूँ, पार्क जा रहा हूँ थोड़ी देर खेलने के लिए, फिर वापस से ट्यूशन है। अभी तो ट्यूशन से पढ़ के आया हूँ, फिर थोड़ी देर पार्क जाता हूँ आधे घंटे के लिए, फिर से ट्यूशन जाना। क्या टाइम हो गया? 6 बज गए। चलो ठीक है। पापा क्या कर रहे हो? पौधों का। चलो ठीक है, बस बस, ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं। अब पापा की घड़ी लगी है पौधों को पानी देने की। इसमें तो पूरा डाल दो, इसको ज़्यादा चाहिए होता है। तो चलिए मैं चलता हूँ पार्क थोड़ी देर खेलने के लिए, उसके बाद चलेंगे ट्यूशन। अभी तो मैं पार्क से भी आ चुका हूँ, फिर जा रहा हूँ मैं अपने 7 से 8 वाले ट्यूशन, पापा मुझे छोड़ देंगे वहीं के वहीं, पापा चले जाएंगे, पापा कहीं काम है तो पापा वहीं चले जाएंगे। तो वैसे तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने शाम वाले ट्यूशन से, जो मेरा 7 से 8 वाला ट्यूशन होता है ना, तो अभी मैं उससे भी आ चुका हूँ। तो बस चलिए अब जा रहा हूँ मैं थोड़ी देर अपने साइड है दोस्त के घर, नहीं दूसरे घर खेलने के लिए, फिर मैं वहाँ से आता हूँ। तो फाइनली अभी मैं अपने दोस्त के घर से खेल के आ चुका हूँ। देखिए आ चुका हमारा डिनर बने आज, ये है उड़द की दाल है ना, उड़द की दाल चावल, ये आलू की सब्जी और परांठे, परांठे नहीं रोटी, तो बस चलिए बड़ा अच्छे खाते हैं अपना आज का डिनर। मम्मी ये उड़द की दाल है, कौन सी दाल है? अरहर की। अरहर की? पापा कह रहे हैं उड़द की, अरहर की दाल चावल, अरहर की दाल चावल आलू की सब्जी और रोटी। अब तो 30 तारीख को घूमने जा रहे हैं, 30 तारीख को सैटरडे, बस प्लान पक्का हो जाए। अभी तो मैंने डिनर कर लिया, अभी बच चुके हैं रात के 10:30, फाइनली एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो बस अब मैं वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और सब्सक्राइब साइड में जो बेल करना था उसको मैं जरूर प्रेस करना, ताकि आप पे मेरी वीडियो के अपडेट आते रहेंगे। मिलेंगे सुबह जल्दी नई वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।